दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए इधर प्राची की, तो प्राची सबसे ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रही है। और प्राची का टेंशन में नज़र आना कोई वैसा रीज़न नहीं है, बल्कि वो रणवीर से इसलिए बोल रही है कि रणवीर जो हो रहा है तुम होने दो, तुम एक काम करो इस घर से जल्द निकल जाओ। क्योंकि दोस्तों बात की जाए इस समय रणवीर की, तो रणवीर इस समय टेंशन में है और रणवीर की टेंशन अपनी जगह बिल्कुल सॉलिड है। रणवीर ने बोला है कि जो हो रहा है वो भी वाकई में बहुत ज़्यादा अलग हो रहा है और इस समय सभी लोग टेंशन में भी हैं कि आखिरकार रणवीर और प्राची एक ही घर में है, वो भी अक्षय के घर में है। हालांकि दोस्तों अक्षय की माँ जो है इस समय सबसे ज़्यादा गंदा बिहेवियर तरीका से बात करती हुई नज़र आ रही है, और गंदा बिहेवियर भी थोड़ा घना नहीं है बल्कि इस समय सबसे ज़्यादा गंदा बिहेवियर वो अपनी तरफ से कर रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए वाकई में दोस्तों एक और भी नई दिलचस्प रवानी लेकर आने वाली है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि कभी भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर अब पता लगने जा रही है आखिरकार अक्षय की बहन को भी, जो कहीं ना कहीं रणवीर को लाइक करने लगी थी, बेहद ज़्यादा लाइक करने लगी थी, उसको पता लगने जा रही है कि प्राची भाभी के एक्स हस्बैंड हैं रणवीर। जी हाँ, क्योंकि अभी तक रणवीर की आइडेंटिफाई को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा था, लेकिन अब आखिरकार रणवीर की पूरी आइडेंटिफाई पता लगती हुई नज़र आने वाली है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहानी एक नहीं बल्कि इस समय कई ट्विस्ट भी अलग से लाती हुई नज़र आने वाली है। सभी लोगों को पता है कि कभी भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट तो देखने को मिल ही रहे हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा। गाइस थैंक यू सो मच, आपने सपोर्ट किया है, थैंक यू।